दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो इंसान खुद बनाता है। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते खून से बनते हैं और दोस्ती का रिश्ता दिल से। जब कुछ हरामियों की हरामियत मैच कर जाए तो वो खुद जुड़ जाते हैं हराम पने की हदें पार करने, और उसी को कहते हैं दोस्ती। कुछ लोग करीब दोस्त बनते हैं, कुछ बहुत करीब और कुछ बहुत ही ज्यादा करीब। ऐसे ही दो दोस्त थे आयुष और मान। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे की चड्डी सूंघ के बता देते थे कि अगले ने पिछली रात क्या खाया है। इनके दोस्ती की दीवार मजबूत खड़ी थी जब तक इसमें प्यार की दीमक नहीं लगी थी। आयुष मान के बीच मिस खुराना की एंट्री ने हवा का रुख मोड़ दिया था। वो अबे क्या हो गया बे? सर गुर्दा कलेजी कुछ नहीं छोड़ा, सब काट दिया है इसने। और मान ने हवा वापस अपनी तरफ बदलने के लिए चुना जुर्म का रास्ता। इस हादसे ने आयुष मान खुराना तीनों की जिंदगियां बदल दी। हाँ किया मैंने क्राइम, तो उसने नहीं किया क्या? किसी के दोस्त को उससे अलग करना क्राइम नहीं है तो क्या है? पर आपने बदला उनके चाचा से क्यों लिया? तावड़े सबकी फाड़े, लेकिन ये केस देखकर खुद तावड़े की भी फट गई थी। खुराना ने मान के दिल को चोट पहुंचाई थी उसके सबसे करीबी इंसान को छीन कर, और बदले में मान ने उसके सबसे खास चाचा की बलि चढ़ा दी। मान और मैं दोस्ती के लांड से लटके दो आंट थे, बस उसमें एक कमी थी, वो मुझे किसी के साथ बांट नहीं सकता था। तो इस लड़की के चक्कर में मेरा फोन नहीं उठा रहा है? चूती है, मम्मी का फोन है मेरी। हाँ तो बहाने मत दे अब, ठीक है? बंदी आ गई भाई बीच में, बंदी आ गई। मान बात सुन, बंदी आ गई। मान मेरी बात सुन, बंदी आ गई। मान मेरी बात सुन, बंदी आ गई। मान जुर्म करना भला किसे पसंद होता है? मुझे 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 भी। अरे मैं भी हूँ। मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता, लेकिन उनकी परिस्थितियां उन्हें जुर्म के रास्ते पर ढकेल देती है। मान को जानने से पहले मुझे आयुष मान दोनों को जानने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सबसे अहम सवाल से करी। अब साफ साफ बताओ, 2023 में भी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? क्योंकि हम एस्थेटिक के चौधरी हैं सर, हमारा कल्ट हमें यही पहनने की इजाजत देता है। एस्थेटिक के चौधरी? अब ये क्या होता है? वही सर जी, जो गले में मोतियों की माला डालते हैं, खुली खुली शर्टें पहनते हैं, BTS को अपना बाप मानते हैं। अरे कहां हमारे युवा बब्बू मान के गाने सुन के कब्जा लेने जाते थे, और तुम लोग? छी, माई हार्ट लिटरली क्राइज, इट ब्रेक्स। सर सर सर, हार्ट ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है सर, तेरी बैगी। इज इट रोलिंग? यस। एक सेकेंड, आई एम नॉट कंफर्टेबल रिवीलिंग माई आइडेंटिटी, मैं मास्क लगा लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ
अब ठीक है, अब मैं पहचान में नहीं आऊंगी। तो आयुष आपको कहां और कैसे मिला? Well, it was love at first sight. हर शाम 5 बजे की तरह मैं उस शाम भी मदर डेरी की लाइन में टोकन लिए खड़ा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज आई। Excuse me. Actually, मेरे घर पे ना कुछ गेस्ट आए हुए हैं, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, थोड़ा सा जल्दी में हूँ, क्या दूध पहले मैं निकाल लूँ? मैं अपने दूध को लेकर काफी पोजेसिव हूँ, पर उस दिन मेरी जिद मुझसे हार गई। मैंने अपना टोकन डाला और उसका सारा का सारा दूध निकाल दिया। दूध निकालते हैं आप? मैं भैंचोद क्या कह रहा है ये? दूध निकाल दिया, निचोड़ दिया है? अबे उल्लू है अपनी है ये, यूट्यूब है ये, कैसी बातें कर रहा है ये? और बातें भी सारी झूठ है क्या? इंस्टाग्राम पे मिला था उस लड़की से ये, और उसके बाद क्या हुआ? ये अबे लगाओ ना सीन में। ला। सारी मिट्टी निकल गई, ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हारे पैर धो के पीता रहूंगा। मेरी सेटिंग बन जाओ प्लीज। यू क्रीप, अबे हट, फोन है क्या जो तेरी सेटिंग बन जाऊं? हट, छोड़ मुझे। नहीं प्लीज, मेरी सेटिंग बन जाओ प्लीज। देख, मैं तुझे ना लास्ट टाइम कह रही हूँ, महिला हेल्पलाइन का नंबर ना स्पीड डायल पर है मेरे। प्लीज दे दे, प्लीज दे दे। सात बार मना कर चुकी हूँ यार, पीछे छोड़ दिया। बहन प्लीज प्लीज समझा करो, प्लीज बहन प्लीज। यू नो व्हाट, आई एम अ वेरी हाई मेंटेनेंस गर्ल, तेरे पास है क्या मुझे देने के लिए? अरे क्या बात कर रही हो, दे सकता हूँ मैं तुम्हें अपना सारा प्यार, अपनी सारी केयर, अपना सारा अटेंशन, आईफोन। मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, थैंक यू सो मच। चलो ओके, कॉल मी। हाँ मेरा आईफोन नहीं मिल रहा बहुत देर से, देखा क्या कहीं? टाइटेनियम ग्रे 256 GB। एग्जैक्टली। नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा, तेरी माँ की कसम मैंने नहीं देखा। ठीक है खुराना, एक स्वर्ण खोदक थी, एक गोल्ड डिगर थी। सरासर गलत बात है। जस्ट बिकॉज वो मुझसे अपने बिल्स पे कराती थी, मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं भी ले जाती थी, या मेरे वॉलेट पर मुझसे ज्यादा हक जमाती थी, दैट डजंट मीन कि वो एक गोल्ड डिगर है। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुद को मेरी वाइफ मान चुकी थी, इसीलिए इतना हक जमाती थी, है ना? अरे इश्क में हमारे लौड़े लग गए गालिब, वरना आदमी हम भी काम के थे। ये सारी की सारी बकवास बातें ना मान ने आयुष के दिमाग में भरी हैं। आई एम टेलिंग यू, आई एम अ सेल्फ सफिशिएंट वुमन, मुझे ना गोल्ड डिगर बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, कल को ये लाइट मैन मेरे मुंह पे कुछ पैसे फेंक के मारेगा तो मैं इसकी तरफ चली जाऊंगी? ओ बेबी, अपनी लाइट से मेरी जिंदगी में थोड़ा उजाला कर दो। सब कुछ ठीक था जब तक वो उस डायन की काली छाया इस घर के चौखट तक नहीं लाया था, लेकिन फिर एक दिन तू मान मेरे मान, मैं तुझे जाने न। मान, वेलकम मिस खुराना। आज से मिस खुराना और उनका कॉक हमारे साथ ही रहेंगे। तू अपना सामान गेस्ट रूम में शिफ्ट कर ले।
मान, तुझे हमसे कुछ कहना है? अरे आयुष भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए आयुष भाई, गाइस आई एम सो हैप्पी यार, प्लीज कम। हेय, व्हाट द फक, आई एम फाइन। मुझे तुम दोनों की एक फोटो चाहिए होगी। फोटो? वो क्यों? क्योंकि साइको देखने के लिए फोटो जलाने वाला शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मान। ओए गंडवे, ओए ओए, क्या क्या हंस रहा है? जाके सामान निकाल अपना, चल। साइको बनेंगे ये ऐसे लोगों की वजह से ना, कॉन्डम की इंपॉर्टेंस पता लगती है। चलो रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साचे में ढलते हैं। मिहिर और तुलसी के बीच इस मंदिरा ने जो चिंगारी भड़काई थी, वो अब धीरे धीरे आग बन रही थी। क्यों चिल्ला रहे हो सब? ये देख ना मान, ये सब क्या है? ये फ्रिज में खेती किसने करी है? चिकन सीख के 4 पैकेट थे फ्रिज में, किधर है? ए, तुम दोनों ऐसी स्माइल क्यों दे रहे हो, जैसे किसी की मां चुदने वाली हो? मान, आज से हम वीगन हैं। ये कौन सी नई गाली है पागल? वीगन मतलब आज से इस घर में चिकन नहीं बनेगा, आज से हरी सब्जियां ही हमारा खाना है। देख, इसमें से दूध आता है? नहीं यार, तू कैसी बात। मेरी पूंछ होगी पीछे, देख। नहीं दिखी? सींग, सींग तो दिख रही होगी? नहीं नहीं, तो मैं ना, ये तो करता हूंगा। नहीं तो भोसड़ी के मैं क्यों खाऊं ये गाय भैंसों वाला खाना? भूल गया, हमारे अलावा यहाँ पे हमारा बच्चा भी रहता है। शर्म नहीं आएगी तुझे उसके भाई बहनों को उसके सामने खाते हुए? देख उसको, क्या दिखता है तुझे उस मासूम सी जान में? 2 लेग पीस और 1/2 प्लेट कोरमा। और इसको अगर ये सब खाना है तो अपने घर जाए ना। अपने ही घर हूं मैं। हाथ दिखा, हाथ दिखा। आयुष, देख क्या लिखा नेम प्लेट पे, आयुष ते मान दा अड्डा। अच्छा, तू देख। आयुष ते खुराना दा अड्डा। मान, दिस इज लाइफ यार। मान ये बात मानने को तैयार नहीं था कि इस रानी ने उसे हरा दिया था और इसी के साथ मान का चेकमेट हो गया था। आपकी रानी ने फिर गुत्था मार दिया। शाबाश सर जी, शाबाश। ए शाबाश मत दे मुझे, पैसे निकाल, चल। पैसा पैसा पैसा, ये ला। शर्त के पैसे भी अंडर द टेबल। हाँ, कानून अपने उसूल कभी नहीं भूलता। ठीक है, गुड बाय बाय, ध्यान रखियो, चल गुड बाय। मैं बस इतना चाहता था कि आयुष अगर मुझसे दूर हो भी जाए तो चलेगा, बस बस वो अपनी पहचान ना खो दे। और उस डायन के साये में आने के बाद शायद शायद आयुष अपनी परछाई खोने लगा था। हाँ। 3 बजे उठने वाला आयुष
अब सुबह 6 बजे उठ के पानी पी के फ्रेश होके वर्कआउट के लिए जाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं आयुष के साथ नहीं अंकित बयनपुरिया के साथ रह रहा हूं, पर हदों ने अपना दम तब तोड़ा जब hey, excuse me, bro. मुझे लगता है तूने मेरा कच्चा पहन लिया है, प्लीज वापस कर दे। क्या हो गया तुझे, ये किस तरीके से बात कर रहा है? क्या हुआ मान? अबे मैंने तेरा कच्चा पहना है, तुझे बोला चाहिए उतार मादरचोद, तू मेरे को बोल रहा है प्लीज उतार दो। क्या हो गया आयुष तेरे को? मान हम बड़े हो गए हैं, हमें मैच्योर होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। नहीं होना मुझे, पड़ेगा यार, वी हैव टू गेट मैच्योर। मान बात समझ, मान मेरी बात, मान मुझे चेंज नहीं होना, एक बार मादरचोद बोलना आयुष, चेंज इज नेसेसरी, एक बार बोलना, चेंज इज नेसेसरी, हमें नहीं बोल सकता मैं, मान समझ, बच्चों जैसी जिद मत कर मान, प्लीज प्लीज बात समझ, मान बोला आयुष, एक बार मान छोड़, मान मेरी पैंट गिर रही है, छोड़। That bloody motherfucker, आयुष और खुराना को अलग करना चाह रहा है। आयुष और मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि सच्चे दोस्त हैं, साथी हैं, अरे भाई बहन जैसा अटूट रिश्ता है हमारा। मेरे चाचा ने प्रूफ किया है हमें। इन घटनाओं के बाद जुर्म का बीज मान के अंदर पनप चुका था जो अब धीरे धीरे एक विशाल पेड़ का रूप ले रहा था, लेकिन तावड़े भी तैयार था अपनी कुल्हाड़ी से इस जुर्म के पेड़ को बीज से फाड़ने के लिए। अरे तावड़े से तो उसका मुजरिम बेटा नहीं बच पाया। तो यार कैसे बचेगा, क्यों बे बता, कैसे पकड़ा तुझे इंस्पेक्टर तावड़े ने? ये मेरे पापा हैं, इनने मेरे से कही थी पांडे अंकल रिश्वत दे रहे हैं 55,000 की, जाके उनके कैश ले आओ। मैं जैसी वहां पहुंचा और पकड़ लिया तावड़े ने इसको रंगे हाथ अपने भ्रष्टाचारी बाप का माल खाते हुए, और फिर ऐसे घुमाया और ये ले, क्यों देगा अपने भ्रष्टाचारी बाप का साथ, हाँ बता। नहीं पापा, पापा नहीं दूंगा पापा। तू अपने बाप का साथ नहीं देगा? दूंगा पापा, देगा अपने भ्रष्टाचारी बाप का साथ, हाँ बता। देखा, ऐसे तावड़े ने उसे ठिकाने लगाया, तावड़े सबकी फाड़े। खुराना और मेरे प्यार की आंधी ने मान के अंदर से सारे इमोशन उखाड़ दिए थे, कुछ बचा था तो बस बदले की आग जो शायद अब सब कुछ जला के राख कर देने वाली थी।
बहुत ज्यादा हद हो चुकी है, मैं ना सह नहीं पा रही, प्लीज। मैं बात करता हूं। मान, मान। क्या कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है उसे इतना? सब कुछ छीन लूंगा उसका। चूतिये ब्रा छीन के क्या करेगा? क्यों वीरे, ओना ने मेरा ब्रा चाक लीता, मैं ओदी ब्रा नहीं चाक सकता। गंडवे तू बिहारी है, पंजाबी में बात क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने अभी अभी लस्सी पी है। शाबा बल्ले बल्ले शाबा हाय हाय। अब ये कौन था? एक रैंडम जोक। आयुष, क्या हो रहा है ये सब? हाँ आयुष, क्या हो रहा है ये? हैं? साले 8 साल से तेरी लाइफ में जिस जगह पे मैं हूं उधर ये क्या कर रही है? मान, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूं। अबे साले, जब से ये आई है ना, एक बार बैठा भी है तू मेरे साथ? हैं? पूछा तूने एक भी बार मान तू ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तेरी लाइफ में? अबे किस बात की प्रॉब्लम भाई, किस बात की प्रॉब्लम है? इस घर का खर्च मैं देता हूं, तेरा दारू सुट्टा अयाशी लड़कीबाजी कपड़े सबके पैसे तो मैं देता हूं, तुझे किस बात की प्रॉब्लम होगी? हर चीज में बस शिकायत करनी है। भैंचो दोस्त बोल बोल के ना बाप बना रखा है तूने मुझे अपना। प्रॉब्लम देख मेरा वो क्या चोद, क्या बोला तूने? पैसा बैंक चोद, ले भूसड़ी के पैसा, लेना पैसा, देख कितना सारा पैसा, लेना पैसा, ले बहनचोद पैसा तेरा, और अब तू वापस कर मुझे। वो बातें, वो मोमेंट साले जो हमने साथ में बनाए, वो रातें जब दारू पी के भंड होके बहनचोद कहते थे कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्या है? क्या हो गया? मान औकात में रह। औकात में रहूं? क्या औकात है तेरी? क्या औकात है तेरी? मत कर। क्या औकात है तेरी? बंदी के आगे चौड़ा हो रहा है। क्या औकात में रह? मान मेरी बात दूर है, जीत गई भाई ये। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बात। मैं हार गया भाई। मान मेरी बात सुन। मैं हार गया सारे। मेरी बात समझ। जीत गई भाई वो। मान भाई गांड फाड़ रील कटेगी इस पे। गांड फाड़ कौन फाड़ सीना है, इस पे लगा दो इमोशनल म्यूजिक और रीले काट दो, हमें वायरल कर दो, हमें वायरल कर दो। ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पे जाकर फॉलो कर। अबे खत्म कर लो ये वीडियो, में खत्म कर लिए आथा माजी सटक लिए। फिर आगे क्या हुआ? वो कहते हैं ना, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो बस मुझे अब अपनी डिश बनानी थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, मेरे अंकल घर आने वाले थे, मैं उनके लिए वेज पुलाव बना रही थी। पर हमें पता नहीं था कि वो रात खुराना के चाचा की आखिरी रात होगी। इंतकाम ने मान के जमीर पर अंधेरा कर दिया था, वो सही और गलत की पहचान भूल गया था, कुछ याद था तो बस इंतकाम। हाँ बहनचोद, मैं ही हूँ चाचा। साउथ कोरिया के चाचा विलेज के कसाई से चुरा कर लाई थी ये मुझे, और मेरे को कहती है
ये तो मेरे बेटे जैसा लगता है। पर माँ चोद दी ना बेटे की, बहन चोद, इससे अच्छा कसाई के हाथों ही कट जाता मैं। पर चलो जो हुआ सो हुआ, तुम चूतियों ने क्या किया है? नहीं मतलब मेरे इंटरव्यू के टाइम पर तुमसे एक मुर्गे की ड्रेस अरेंज नहीं हुई, ये क्या है? ये हंस, हंस हूं मैं? अबे मुर्गा हूं मैं बहन चोद? रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। बना दी मैंने अपनी डिश, चिकन कोल्ड करी। तो भोसड़ी के तभी तो इतनी देर से पूछ रहे हैं कि ये टेस्टी करी बनाई किसने, समझा? वो देख, कैमरामैन फोकस करो, वो देख, मेरे लड़के तब से लगे हुए हैं कि डिश का पता चले तो बनाएं, हैं? और तुम लोग की यहाँ अलग बकचोदी चल रही है। शाम को खाना खजाना का शो हमको लाइव करना है, हैं? और सारा कुकिंग शो को तुम लोगों ने क्राइम पेट्रोल बना दिया है क्या बहन चोदों? निकल यहाँ से, चल। साला पागल बना के रख रखा है। ओ भाई ओए, अबे चिकन करी बची है क्या? भाई बहुत टेस्टी थी यारे तो। चिकन करी? देखो चूती चूतिये को चिकन करी चाहिए तुमको। साला किसने दी इसको प्रोडक्शन में से ड्रेस, किसने दी तेरे को पुलिस वाले की? निकल यहाँ से, चल। ए पैकअप कर, पैक कर इसको, बंद कर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, अभी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस लाऊंगा क्योंकि ऐसी वीडियोस में टाइम बहुत लगता है। तो ये महीने, एक दो महीने में मैं एक प्रोजेक्ट ऐसा रखूंगा, बाकी छोटी छोटी क्रिस्प वीडियोस, लाइव वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। अब मैं पूरा 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 एक्टिव रहूंगा। यस यस, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।